आपका स्वागत है। मैं मनोज, आप बता दें दरभंगा में जो शराब माफिया है वो कौन से सुरक्षित जगह पर घूमते फिरते हैं, कहाँ ऐसा सुरक्षित है जहाँ पुलिस की निगाहें न हो। ऐसा ही दरभंगा DMCH के बॉयज हॉस्टल के मेस में बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है और यहाँ पर दरभंगा SSP को खुद आना पड़ा है, क्योंकि यहाँ जानते हैं यहाँ के बाद में कभी किसी तरह का मूवमेंट तैयार हो जाता है। इस परिस्थिति में आज बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई। देखिए रिपोर्ट के बॉयज हॉस्टल के पास में एक कैंटीन में शराब रखे होने की सूचना मिली थी। इस पर छापामारी की गई तो यहाँ से 99 कार्टून शराब बरामद हुई है। पिकअप में एक ड्राइवर शराब लेके आया था, वो ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। एक व्यक्ति जिसने शराब यहाँ मंगाई थी, पहुँचवाई थी, वो गिरफ्तार हुआ है। इसके अलावा मेस संचालन करने वाले 3 लोग और गिरफ्तार हुए हैं। टोटल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि शराब कहाँ से लाए थे और इसका उपयोग कहाँ होना था। अभी तक जो सूचना हम लोगों को मिली है उससे यही लगता है प्रथम दृष्टया कि ये शराब का इस्तेमाल DMCH कैंपस में ही लोगों के द्वारा किया जाता था, यहीं पर इनकी सप्लाई की जा रही थी। इसमें थाना के जो स्टाफ हैं उनकी भी हम लोग भूमिका की जांच कर रहे हैं कि उनके स्तर से लापरवाही हुई है या फिर कोई मिली भगत का भी कोई अगर प्रमाण मिलेगा उसके आलोक में भी कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने लीटर शराब टोटल अभी गिनती की जाएगी? 99 कार्टून है, अभी गिनती की जा रही है। दोषियों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? इसमें केस दर्ज करके इनको जेल तो भेजा ही जाएगा। जो शराब के काम में लगे हुए मेस संचालनकर्ता और जो एक यहाँ माफिया जिसने शराब मंगा के दी है, इनकी संपत्ति का पता लगाया जा रहा है, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी देखी जा रही है। अगर पहले का भी केस होगा उसमें जमानत भी रद्द कराई जाएगी और शराब के व्यवसाय से जो भी संपत्ति अर्जित की है इसकी जब्ती का प्रस्ताव तैयार करके आर्थिक अपराध इकाई को भेजा जाएगा। शिक्षण संस्थानों में, मेडिकल में, यूनिवर्सिटीज में शराब का पकड़ना ये क्या दर्शाता क्या है? ये दर्शाता है कि लाख जागरूकता प्रोग्राम के बाद भी, कड़ी कार्रवाई और चेतावनी के बाद भी, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे और समझदार हैं उसके बाद भी वो बात को नहीं समझ रहे हैं और उसके बाद भी शराब के इस कंजम्पशन में वो लोग लगे हुए हैं। जो माफिया है वो तो अपने लालच के लिए काम कर रहा है, लेकिन जो पीने वाले लोग हैं वो अपनी समझदारी का पीछा नहीं दे रहे हैं ऐसी जगहों पर शराब पकड़ाने के मामले में। सर, छात्रों का इन्वॉल्वेशन इसमें अभी तक देखा गया है? अभी जाँच की जा रही है किन लोगों के मध्य इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था, कौन लोग इसके उपयोग करता थे, ये सारी जानकारियां सामने आई। कौन है? रितेश मंडल है, मेस संचालक है। गोलू कुमार है, गोपाल मंडल है, मेस संचालक है। रितेश क्या कर रहे हैं? रितेश मेस संचालक।